नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीयूष क्रिएटिविटी। मैं हूं पीयूष, आप लोगों का मेरी चैनल पे स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है और एक बेहतरीन डिज़ाइन का इयररिंग्स। घर पे इतनी अच्छी डिज़ाइन का इयररिंग्स आप लोग कैसे बना सकते हो, उसका पूरा जो प्रोसेस है मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। और शेयर करने से पहले आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसको दबा दीजिए ताकि मेरे सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और पास वाले बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आप जब भी फ़ोन खोले ना अपना, और तब भी आप लोगों के नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने वीडियो अपलोड की, तो आप जल्दी से जल्दी आके मेरा वीडियो देखिए। इसीलिए बेल आइकन को दबाना तो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये इयररिंग्स बनाना बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम मटेरियल्स से आप कैसे घर पे बना सकते हो, तो उसके लिए मैंने रेड कलर का ये बॉल चेन लिया है। और यहाँ पे मैंने ये दो साइड में जो हुक आता है ना, दो साइड, इसको ना मोगरा बोलता है, मैंने पता किया है इसको मोगरा बोलता है। और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके के एक बीट्स लिया है। आप लोग यहाँ पे व्हाइट कलर का भी कुछ ऐसा मोती आता है तो ये भी ले सकते हो। और यहाँ पे मैंने दो स्टैंड लिया है जो हम इयररिंग्स के पीछे का जो स्टैंड है वो, और यहाँ पे हुक लिया है। आप लोग दोनों में से कोई एक यूज़ कीजिए, तो मैं आप लोगों को दोनों तरीके से बताऊंगी, तो इसीलिए मैंने दोनों लिया है, तो आप लोग की एक लीजिए। और यहाँ पे कटा हुआ जो मोती है वो लिया है मैंने कुछ इस साइज में, और यहाँ पे बॉक्रोम लिया है मैंने, तो ये सारी चीज़ बस और कुछ नहीं। तो ये बॉक्रोम जो लिया है, यहाँ पे सबसे पहले मैं बॉक्रोम ले लूँगी, बॉक्रोम के ऊपर ही सारे काम होगा। और सीज़र लेना मत बोले, सीज़र यहाँ पे कटर, तो यहाँ पे ग्लू जो है फेविक्रिल का ग्लू जो हर वीडियो में यूज़ करती हूँ वही। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बॉक्रोम जो है थोड़ी सी कट कर लूँगी, क्योंकि ये इयररिंग्स थोड़ी सी जगह में कंप्लीट हो जाता है, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इस थोड़ी सी जगह पे ही मैं सबसे पहले जो ग्लू है वो ग्लू लगा दूँगी। और ग्लू लगाने के बाद जो कटा हुआ मोती है वो लगा दीजिए। हाँ, यहाँ पे जो कटा हुआ मोती है बस वही लगा दीजिए। और उस लगाने के बाद यहाँ पे बस ये जो बॉल चेन है ना रेड कलर में, वो बॉल चेन बस उसको ऐसे लपेट दीजिए बॉल चेन से। बस हो गया हमारा। हाँ, बॉल चेन से लपेट दीजिए। यहाँ पे मेज़रमेंट करके उसको कट करके सेट कर दीजिए। हाँ, यहाँ पे हमें मेज़रमेंट करके सेट करना है। यहाँ पे पहले कट कर देती हूँ मैं इस कटर से, यहाँ से कट कर देती हूँ, उससे अच्छा होता है। तो कट कर दिया। अब कट करने के बाद यहाँ पे मैं सेट कर दूंगी, उंगली की मदद से ही सेट करना है इसको अच्छे से। यहाँ पे देखिए अब हमारा सेट भी हो चुका है, ये बस सेट हो गया। अब इसको सूखने के लिए छोड़ना है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसका जो ऊपर वाला जो ग्लू आ रहा है उसको हटा दूंगी, नहीं तो भी सूखने के बाद कैसा लगेगा ना, इसीलिए। और यहाँ पे चेन जो है उसको अच्छे से मैं सेट कर रही हूँ। और यहाँ पे हमें कट करना है साइड और, साइड और के मैं साइड की तरफ मैं कट कर देती हूँ। सॉरी, यहाँ पे मेरा जो है वो गिर गया, तो यहाँ पे मैं कट कर दूंगी ऐसे। हाँ, यहाँ पे कट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे देखिए इसको अच्छे से सूखने के लिए छोड़ देना है हमें, बस और कुछ नहीं। हाँ, और कुछ करना तो है ही, लेकिन अभी नहीं, पहले इसको सूखने दीजिए। अब यहाँ पे जो मैंने ये बीट लिया है इसमें मैं जो हमारा डबल साइडर का जो मोगरा है, या फिर इसको इंग्लिश में शायद लॉरियल या क्या बोलता है, तो मोगरा जो है वो मोगरा मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ये देखिए मैंने वो मोगरा का जो वो है डाल दिया। अब डाल के इसको थोड़ी सी गैप में, थोड़ी सी गैप, आप लोग आइडिया लगा लीजिए आप लोगों को कितना गैप चाहिए, मतलब कितना गैप में ये आएगा। तो आप पहले इसको ऐसे लेके मेज़रमेंट कीजिए। आप लोग इसको ऐसे लेके मेज़रमेंट कीजिए, आप लोगों को पता तो चल ही जाएगा कितना गैप रखना है। उंगली से ऐसे पकड़ लीजिए। अब इसके ऊपर से वहाँ पे जो वहाँ पे हमने हाथ रखा उसके ऊपर की ओर, उसके ऊपर की ओर हमें ऐसे लपेट देना है। ऐसा अच्छे से लपेट देना है, बस कुछ इस तरीके से लपेट देना है, एक गैप बनाना है। यहाँ पे देखिए हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। अब हमें ये रखना है, बस सूखने के लिए छोड़ना है। और यहाँ पे इसके साइड और जो है इसका साइड और पे हमें कट कर देना है।
यहाँ पे मैं इसको सूखने के लिए थोड़ी देर छोड़ देती हूँ, नहीं तो ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा ना। तो उससे पहले मैं और एक बार मेज़रमेंट कर लूँगी। अब देखिए ये मेज़रमेंट कुछ इस तरीके से करना है, तो आई होप कि हो जाएगा। ओ, हिस्सा जो लिया है मैंने वो ठीक रह जाएगा। अब इसकी साइड और मुझे ऐसे कट करना है। सूखा नहीं है अच्छे से, आप लोगों को तो ग्लू दिखाई दे रहा होगा। आप लोग सूखने के बाद इसे कट कीजिए, मैं अभी कर रही हूँ। कुछ इस तरीके से हमें कट करना है। अब देखिए कट करना हो गया है। साइड की और थोड़ी थोड़ी सी लाइक बचा है मुझे बताए, उसको अच्छे से कट कर देना है। हाँ आप लोग एक जगह ध्यान से कीजिए, ताकि आप लोग ध्यान से लाइक इसको कट कर पाए। तो इस जगह पे आप लोग ध्यान, मेरा तो हो गया ध्यान भट इसीलिए मेरा जो चेन है वो खुल गया। कोई बात नहीं, ग्लू है ना ग्लू से चिपका दीजिए, अगर खुल जाए आप लोगों को, आप लोगों का मेरी तरह। सॉरी मेरी हिंदी बहुत ख़राब है। तो यहाँ पे देखिए अब हमें क्या करना है, इसके पीछे हमें इसको ऐसे सेट करना है। ये ना एकदम परफेक्ट परफेक्ट बनी है एकदम। तो इसके पीछे हमें ये बॉक्रूम जो है उसको डालना है। तो इसको पहले मैं कट कर लूँगी इसकी मेज़रमेंट से ही, इसके चारों ओर कुछ इस तरीके से मैं इसको कट कर लूँगी, नीचे वाला जो बॉक्रम होगा उसे। यहाँ पे देखिए मैं उसी की मेज़रमेंट से इसको ऐसे कट कर दूँगी। नीचे वाला जो है हमारा उसको भी राउंड, क्योंकि नहीं तो बाद में फिर ना दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पहले आप लोग ऐसे कट कर दीजिए इसकी अलग मेज़रमेंट से। आइडिया लगाइए कितना चाहिए कितना नहीं, उस हिसाब से ऊपर वाले साइड में भी मैं थोड़ी सी कट कर दूंगी। फिर से बॉल जिन थोड़ा भटक गया, उसको मैं सही रास्ते दिखाऊंगी, मतलब सही रास्ते में लाऊंगी। सॉरी। तो यहाँ पे हो गया मेरा, फिर भी अच्छे से फिनिशिंग देना है हमें, बस ऐसे ही फिनिशिंग ऐसे ही करना है। यहाँ पे देखिए नीचे वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, अब हमारा फाइनल टच। हाँ यहाँ पे हमें फिर से ग्लू लगाना है। मैं नीचे वाला जो पार्ट है उस पर ग्लू लगाऊंगी। सबसे पहले तो इसमें ग्लू लगाना है। यहाँ पे देखिए मैंने ग्लू लगा दिया, थोड़ी सी ऐसे ग्लू लगाना है, उसको स्प्रेड कर देना है। स्प्रेड करने के बाद यहाँ पे जो लाइक मैंने इसको ऐसे बनाई, हाँ ये बनाई, उसको ऐसे रख के इसके ऊपर जो हम हमारा जो पार्ट है उसको डाल दूंगी, मतलब वो बिठा दूंगी। बस यहाँ पे देखिए ये हमारा ईयरिंग कंप्लीट है। कंप्लीट नहीं है, और थोड़ी सी पार्ट बाकी है ना। और थोड़ी सी पार्ट बाकी है। अब देखिए यहाँ पे तो मैंने इसको ऐसे बैठा दिया, अगर आप पीछे इसका पीछे स्टैंड लगाना चाहोगे ना, तो मैंने ऊपर जो राउंड बनाई, आप लोगों को राउंड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगी आप लोग इसको लाइक स्टैंड के बिना आप लोग उस हुक लगा दीजिए। तो इसको पहले मैं सूखने के लिए छोड़ दूंगी थोड़ी देर अच्छे से बैठा के। तो भी अगर आप स्टैंड लगाएंगे ना पीछे की और एक बॉक्रूम से इसको सेट कर दीजिए, तो फिर लाइक आप लोग स्टैंड लगा सकते हो। ये वाला पार्ट मैं थोड़ी सी और कट कर दूंगी सूखने की बाद, सूख गया है मेरा ये बिल्कुल, इसको कट कर दूँ, मतलब कट कर दिया मैंने। तो 1-1.5 घंटे में ये सूख जाता है। और यहाँ पे जो हमने जो ओ मोगरा, हाँ याद नहीं रहता उसका नाम, वो जो मोगरा है ना, वो मोगरा बहुत ही ज़्यादा वो है। और यहाँ पे देखिए स्टैंड जो है, इस स्टैंड को आप कुछ इस तरीके से ऐसे बैठा दीजिए ग्लू की मदद से, या फिर बॉक्रम काट के इसकी साइज़ का बॉक्रम काट के बॉक्रम से आप इसको सेट कर दीजिए। नहीं तो फिर आप लोगों के ऊपर वाला जो हुक बनाई मैंने वो उसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसको हमें सेट करना है, इसका जो हुक लिया है मैंने, इसका हुक के नीचे वाला पार्ट जो है इसको ऐसे खोलना है, उंगली से खोल के इसको इसके अंदर डाल देना है। हाँ ये देखिए उंगली से ऐसे खोल के इसके ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें डाल देंगे हम।
डाल के फिर इसको टाइट कर देंगे। ये देखिए डाल दिया, हो गया अंदर। अब इसको ऐसे टाइट कर देंगे। अब देखिए हमारा जो इयररिंग्स है वो बिल्कुल रेडी है। ऐसे ही दूसरा जो है वो भी बना लेंगे हम। तो यहाँ पे हमारा इयररिंग्स कंप्लीट है। तो आप लोग देख ही सकते हो कितना कम समय में और कितने इजीली आप इसको बना सकते हो। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा ऐसा एक झुमका, अगर आपके कान में ऐसे कितना अच्छा लगता है ना। हाँ, और ऐसे डिज़ाइन का आप लोगों को तो शायद बाज़ार में मिलेगा भी नहीं। जिस डिज़ाइन में मैंने बनाई है, इस डिज़ाइन का शायद आप लोगों को बाज़ार में भी नहीं मिलेगा। हाँ, एक खुद का दिमाग का काम है। आप लोग भी ऐसे बनाते रहिए, फिर आप लोगों के दिमाग से भी अच्छे से आइडियाज़ आ ही जाएगा। तो यहाँ पे सामने फेस्टिवल, मतलब फेस्टिवल सीजन तो ख़त्म हो गया है, शादी का सीज़न चल रहा है और न्यू ईयर है, क्रिसमस है, कोई भी पार्टी तो होगा ही ना न्यू ईयर की आने की खुशी में, या फिर 2018 की जाने की खुशी में। कोई ना कोई तो पार्टी होगा, पार्टी वगैरह, या फिर आप कॉलेज ऑफिस स्कूल गोइंग गर्ल हो तो ये पहन सकते हो किसी भी ड्रेस के साथ, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के पास में बेल वाला आइकन को भी दबाना मत भूलिए, ताकि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। मैं कभी भी कोई भी वीडियो डालूं, आप लोगों तक पहुँच जाए मेरा वीडियो। और वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है ना, एक लाइक कर दीजिए। लाइक के बाद इसको शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को। शेयर करने के बाद कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा लगा। तो आप लोग एंजॉय कीजिए मेरे वीडियो में, फिर मिल